हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, राइट। ट्रांसफॉर्मर पे जब रेजिस्टेंस लगाएंगे आउटपुट साइड पे, राइट, तो ट्रांसफॉर्मर का बिहेवियर कैसा होगा, राइट, और व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑन लोड, राइट। हम इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे और उसके कुछ कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है ना, राइट। लेट्स स्टार्ट। इनिशियली ये बेसिकली हमारा ट्रांसफॉर्मर है, राइट। ये ट्रांसफॉर्मर का ये प्राइमरी सेक्शन है, ये ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी सेक्शन है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी टर्न्स है जिसको हम क्या कहते हैं, N1, और ये ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी टर्न्स है जिसको क्या कहते हैं हम, N2, राइट। प्राइमरी टर्न्स को हमने कनेक्ट किससे किया है, V1। व्हाट इज V1? AC सप्लाई, AC इनपुट, राइट। तो डेफिनेटली क्या होगा, जब इस कॉपर वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली करंट फ्लो होगा। उस करंट को क्या कहेंगे हम, I1। I1 क्या है, प्राइमरी करंट, राइट, ओके। जब प्राइमरी करंट क्या होगा, प्राइमरी करंट जब कॉपर वाइंडिंग से फ्लो होगा तो डेफिनेटली कॉपर वाइंडिंग क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, राइट। दैट मीन्स क्या होगा, जनरेशन ऑफ फ्लक्स, राइट। अब जो जनरेशन ऑफ फ्लक्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। थंब रूल फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, राइट, जब करंट आपका फ्लो हो रहा है सर्कुलरली तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और हो गया साइलेंट करना, मत करो, मैं इसलिए ऑफलाइन कर दिया उसको। अभी रुक जाओ तो फिर बाद में फिर कॉपी करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव थंब रूल फॉर्मूला। व्हाट इज थंब रूल फॉर्मूला? थंब रूल फॉर्मूला क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है, फॉर एग्जांपल हमारी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, नहीं स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या होगा, जब N1 पे करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा वो कौन बताएगा, थंब रूल फॉर्मूला, राइट। थंब रूल फॉर्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल करंट आपका क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगी वो सर्कुलरली इंड्यूस होगी। आप ये फोर फिंगर्स देख सकते हैं, तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर क्या होगी, फ्लो होगी, सर्कुलरली फ्लक्स क्या होगा, फ्लो होगा। सेम मैनर में वाइस वर्सा, अगर हमारा क्या होगा, करंट जो है सर्कुलरली फ्लो होगा तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो दैट मींस यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अपवर्ड डायरेक्शन में होगी मतलब क्या होगी, वो प्राइमरी से सेकेंडरी तक फॉरवर्ड होगी। आप देख सकते हैं उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इसे हम कहेंगे फाय। व्हाट इज फाय? आवर फ्लक्स, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली यहां से क्या होगी, वो फ्लक्स रिवर्स होगी, देख लीजिए कुछ इस तरह का एक साइकिल क्या होगा, फ्लक्स कंप्लीट करेगी, राइट, ओके। अब ये फ्लक्स क्या होगा, ये फ्लक्स सेकेंडरी साइड पे आके लिंक होगा, राइट, तो डेफिनेटली लिंक होगा, तो राइट, तो लिंक होगा तो हमें क्या मिलेगा, I2 करंट मिलेगा, ओके फ्रेंड्स। जब फ्लक्स लिंक होगा तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। उस EMF को हम क्या कहते हैं, E2, जिसको कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस EMF, राइट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है कि सारा का सारा फ्लक्स यहां पे क्या होगा, लिंक नहीं होगा। सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, वो रिटर्न बैक होगा, और किस साइड लिंक होगा, प्राइमरी साइड लिंक होगा, और प्राइमरी साइड जो EMF इंड्यूस होगा उसे हम कहते हैं E1, जिसका नाम है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, राइट। तो हमारे दो EMF क्रिएट हो गए, E1 क्रिएट हो गया, E2 क्रिएट हो गया, राइट, ओके। अब हमने क्या किया है, आउटपुट पे लोड कनेक्ट किया है RL, तो डेफिनेटली क्या होगा, आउटपुट साइड पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, उसको कह दिया है हमने I2। व्हाट इज I2? सेकेंडरी करंट, आउटपुट करंट, राइट। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब हमने लोड कनेक्ट किया डेफिनेटली क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैं कह सकता हूं करंट का डायरेक्शन जो भी होगा, जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अगेन यहां थंब रूल फॉर्मूला, करंट क्या हो रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
वाइंडिंग से, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये आउटपुट करंट और ये सेकेंडरी का करंट क्या इंड्यूस करेगा, फ्लक्स इंड्यूस करेगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो दैट मींस कि हमारा यहां पर ड्यू टू लोड हमारा आई टू फ्लो होगा और ड्यू टू आई टू मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी और वो इंड्यूस होगी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से इंड्यूस होगी। राइट उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू माय फाई। राइट आप देख सकते हैं ये हमारा है, दिस इज कॉल्ड फाई टू। राइट और फाई टू क्यों इंड्यूस हो रहा है, फाई टू किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, ड्यू टू करंट आई टू करंट की वजह से इंड्यूस हो रहा है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, अब आप नोटिस करिए, फाई मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फाई टू मेरा रिवर्स डायरेक्शन में है, मतलब डेफिनेटली क्या होगा, फ्लक्स का सब्ट्रैक्शन होगा। हाँ यहां पे फ्लक्स का सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो मेरा टोटल फ्लक्स है जो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड लिंक हो रहा है वो क्या हो जाएगा, लेस। कैसे, तो मैं ये कह सकता हूं टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाइ माइनस फाइ टू होगा, तो डेफिनेटली टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा, रिड्यूस हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स रिड्यूस होगा तो आउटपुट ई टू रिड्यूस होगा, आउटपुट ई टू रिड्यूस होगा तो इनडायरेक्टली क्या रिड्यूस हो जाएगा, आई टू रिड्यूस हो जाएगा। राइट उसको अवॉइड कैसे करें, हाउ टू अवॉइड, तो इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है वो क्या है, इंक्रीज आई वन। तो व्हाट विल ट्रांसफॉर्मर डू, ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, जैसे ही उसको लोड मिला कि आउटपुट पे लोड कनेक्टेड है, ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, आई वन करंट इंक्रीज हो जाएगा। जब आई वन करंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्लक्स और इंक्रीज होगा। तो आई कैन से अब फ्लक्स ज्यादा इंक्रीज होगा, मतलब फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूं कि आई वन इंक्रीज हो गया, जब हमारा आई वन इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली फ्लक्स क्या हो गया है, और इंक्रीज हो गया है। तो मैं एक डॉटेड लाइन और क्रिएट कर लेता हूं। राइट तो ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स मेरा क्या है, फाई वन है, तो क्या हुआ, फाई वन भी जनरेट हो गया। राइट तो हमारे अब हमारे हमारे फ्लक्स कौन कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो फाई प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो फाई वन प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा फाई टू। राइट स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, जो ये फाई वन इंड्यूस हुआ है ना, ये डायरेक्टली इक्वल टू किसके होगा, फाई टू के होगा। तो दैट मींस ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा जो फ्लक्स बचेगा कौन सा फ्लक्स बचेगा, फाइ, और उस फाइ फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, मेन फ्लक्स। राइट आई होप क्लियर है, एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी साइड पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा, वो फ्लक्स को कहते हैं हम फाइ। ठीक है, वो फ्लक्स क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी साइड आएगा, तो डेफिनेटली सेकेंडरी साइड पे क्या होगा, ई टू इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होंगे, रिवर्स जाएंगे और प्राइमरी साइड पे क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे ई वन सेल्फ इंड्यूस फ्लक्स। राइट ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने लोड कनेक्ट किया, मतलब डेफिनेटली क्या होगा, आउटपुट साइड पे करंट फ्लो होगा। राइट तो जब आउटपुट वाइंडिंग में स्टूडेंट्स करंट फ्लो होगा, तो सेम जैसे प्राइमरी में करंट फ्लो हुआ था तो फ्लक्स इंड्यूस हुआ था, सेम मैनर में सेकेंडरी में जब करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स इंड्यूस होगा। राइट और वो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो आप ये देख सकते हैं, ये जो ब्लू डॉटेड है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारा फ्लक्स फाइ टू फ्लो हो रहा है। राइट तो ये फ्लक्स फाइ टू क्या करेगा, ये फ्लक्स फाइ टू और हमारा ओरिजिनल फ्लक्स फाइ दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरा जो टोटल फ्लक्स है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट तो इसको अवॉइड करने के लिए, हाउ टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, हाउ टू अवॉइड फाइ टू कैसे अवॉइड करें, तो उसमें होगा क्या, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी साइड है उस पर क्या होगा, आई वन अपने आप को इंक्रीज करेगा। वॉट आई विल डू, आई वन क्या करेगा, सप्लाई से और ज्यादा करंट लेगा। जब सप्लाई से और ज्यादा करंट लेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, और ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। राइट तो लेट सपोज करंट इंक्रीज हुआ, तो करंट इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो मैंने एक डॉटेड ड्रॉ कर लिया फाइव वन, ये मेरा इंक्रीज फ्लक्स है। राइट नाउ ये फ्लक्स जो जितना अमाउंट ऑफ इंक्रीज हुआ है ना, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू फाइव टू।
ये जो हमारा फ्लक्स होता है इंक्रीज फ्लक्स वो और फाइ टू क्या होता है सेम होता है स्टूडेंट्स। तो जब सेम होगा तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे राइट। तो हमारा क्या होगा, हमारा टोटल जो फ्लक्स बचेगा वो फ्लक्स कौन सा बचेगा, फाइ बचेगा, जिसको कह सकते हैं हम मेन फ्लक्स राइट। तो क्या होगा, मेन फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लो होना चालू हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स राइट। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, ट्रांसफॉर्मर का बिहेवियर है लोड पर राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर राइट ऑन लोड कंडीशन। ओके दिस इज अवर व्हाट सप्लाई वोल्टेज V1 जो हमने प्राइमरी साइड पे कनेक्ट किया हुआ है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स प्राइमरी साइड पे जब हम V1 अप्लाई करेंगे डेफिनेटली करंट फ्लो होगा, कौन सा करंट है I1। आप देख सकते हैं ये करंट क्या है हमारा I1 है ठीक है राइट। स्टूडेंट्स ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर की वाइंडिंग है मतलब डेफिनेटली कॉपर का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा राइट। उसे हमने रिप्लेस किया है किससे, R1 से। व्हाट इज R1, कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, किस साइड का, प्राइमरी साइड का, उसे हमने कहा है प्राइमरी रेजिस्टेंस। क्लियर है राइट। नेक्स्ट X1, अब ये X1 है क्या राइट स्टूडेंट्स, जो हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट क्या करेगा, कॉपर वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करेगा, मैग्नेटाइज करके क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा राइट। तो ये मेरा जो X1 है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिएक्टेंस। ये क्या शो करेगा, कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म हो रहा है राइट, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्लियर है राइट। इसे कहते हैं इनपुट रिएक्टेंस। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑन नो लोड, जब हमने कोई लोड नहीं कनेक्ट किया, कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है मतलब डेफिनेटली आउटपुट साइड पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आउटपुट साइड पे कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो कितना अमाउंट ऑफ करंट इनपुट साइड से आएगा, उसे कहते हैं हम I0। व्हाट इज I0, नो लोड प्राइमरी करंट। ये करंट कब फ्लो होगा, जब हमारा आउटपुट पे कोई लोड नहीं होगा। क्लियर है ओके। अब हमारा नो लोड करंट फ्लो हो रहा है तो नो लोड करंट अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें, एक IC है और एक IM है राइट। व्हाट इज IC, IC क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ I0। स्टूडेंट्स एक चीज गौर करिए, ये कोर है हमारा, डेफिनेटली जो हम फ्लक्स जो है अपना, आई कैन से फ्लक्स जो है प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड ट्रांसफर होगा, मतलब डेफिनेटली क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लॉस हो जाएगा, किसमें, प्राइमरी में। क्यों लॉस होगा, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, और सॉरी ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, आयरन राइट। तो हम उसको क्या कहते हैं, RC। व्हाट इज RC, कोर लॉस रेजिस्टेंस। जो कोर में लॉसेस होंगे उसको हमने दिखाया है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। और जो रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट का लॉस होगा उसे हमने कहा है IC राइट। व्हाट इज IC, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ I0। नेक्स्ट व्हाट इज दिस IMU राइट, IMU क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ IO। ये बेसिकली क्या शो करेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट क्या हो रहा है मैग्नेटाइज होके, कितना करंट क्या हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी जगह पे, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स आयरन कोर से प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे लिंक हो रहा है, वो कौन बताएगा, IMU बताएगा राइट। और उसका रिएक्टेंस क्या होता है, XM। व्हाट इज XM, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, कितना मैग्नेटाइज होगा, कितना ट्रांसफर होगा राइट। नेक्स्ट डेफिनेटली क्या होगा, जब हम लोड लगाएंगे तो स्टूडेंट्स हमने देखा जैसे ही हम लोड लगाते हैं तो होता क्या है, ड्यू टू करंट फ्लो I2 की वजह से क्या होता है, रिवर्स फ्लक्स प्रोड्यूस होता है Φ2, और जिसकी वजह से क्या होता है, I1 इंक्रीज होता है, और I1 इंक्रीज होता है तो फ्लक्स बढ़ा देता है राइट। तो डेफिनेटली I1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारा I1 है। व्हाट इज I1, कंपोनेंट ऑफ I1 टू नलीफाई इफेक्ट ऑफ Φ2। ये जो I1 है, ये I1 क्या है, इंक्रीज करंट है। क्यों इंक्रीज करंट है, ताकि इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो Φ2 का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये हमारा है I1
अभी I1 डैश क्या है, हमारा जो है वाइंडिंग से क्या होगा, फ्लो होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और फ्लक्स इंड्यूस होगा, वो फ्लक्स क्या होगा, सेकेंडरी साइड पे लिंक होगा, सेकेंडरी साइड पे लिंक होगा, EMF इंड्यूस करेगा, जिसे कहेंगे E2, म्यूचुअल इंड्यूस EMF, और सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, प्राइमरी साइड पे लिंक होगा, उसे कहेंगे हम E1, व्हाट इज E1, सेल्फ इंड्यूस EMF, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज R2, R2 क्या है हमारा, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, स्टूडेंट्स डेफिनेटली अगेन कॉपर वाइंडिंग है, तो कॉपर वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, R2 कहते हैं, राइट, देयर विल बी सम लॉसेस, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस, राइट। नेक्स्ट है हमारा X2, सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, अब कितना कितना जो है रिएक्टेंस होगा सेकेंडरी साइड पे, वो दिखाएगा किससे, X2 से दिखाएगा, और दिस इज अवर RL, लोड रेजिस्टेंस, इसके पास का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V2 होगा आउटपुट वोल्टेज, तो आई होप स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सर्किट क्लियर है, इसमें एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। नेक्स्ट, इनपुट साइड पे क्या होगा, बेसिकली करंट फ्लो होगा I1, व्हाट इज I1, इनपुट करंट, इनपुट करंट के दो पार्ट होंगे, कौन सा, I0 I1 डैश, I0 क्या होगा, व्हाट इज I0, नो लोड प्राइमरी करंट, नो लोड प्राइमरी करंट मतलब क्या, लोड पे अगर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, लोड पे वोल्ट लोड रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो करंट फ्लो होना चाहिए, नेसेसरी करंट फ्लो होना चाहिए फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए, उसे कहते हैं हम I0, और व्हाट इज I1 डैश, जैसे ही आपने आउटपुट लोड लगाया तो डेफिनेटली क्या होगा, आउटपुट साइड में करंट I2 फ्लो होगा, आउटपुट I2 की वजह से क्या होगा, फाई टू फ्लो होगा, तो फाई टू का जो प्रॉब्लम है, फाई टू क्या करता है, फ्लक्स को कम कर देता है, तो उसके फाई टू को अवॉइड करने के लिए I1 इंक्रीज होगा, तो जो इंक्रीज I1 है उसे कहते हैं हम I1 डैश। व्हाट इज R1, R1 क्या है, प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, कॉपर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। व्हाट इज X1, X1 क्या है, प्राइमरी का रिएक्टेंस है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या हो रहा है, करंट करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय X1। नेक्स्ट, व्हाट इज RC, RC क्या है, कोर लॉस, डेफिनेटली क्या होगा, कोर में कुछ लॉसेस होंगे, तो लॉसेस को दिखाते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज XM, सेम XM क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में लिंक होगा फ्रॉम कोर, उसे दिखाएंगे। नेक्स्ट, ये E1 क्या है, सेल्फ इंड्यूस EMF, E2 क्या है, म्यूचुअल इंड्यूस EMF, R2 क्या है, सेकेंडरी साइड का कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, X2 क्या है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, लिंक होगा और क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा, तो X2 क्या दिखाएगा, सेकेंडरी का रिएक्टेंस, और RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, और V2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज, तो आई होप स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सर्किट क्लियर है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड।